हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में सीजीपीएससी में छत्तीसगढ़ अध्ययन का जितने भी प्रश्न आए थे उस प्रश्न को हम डिटेल में देखेंगे। पहला प्रश्न है, सन 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बस्तर की विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे? तो यह डी करेक्ट आंसर होगा, यह शिक्षा मंत्री के पद पर थे। इसका डिटेल देख लेते हैं। मंत्रिमंडल इस प्रकार की संसदीय इतिहास कांग्रेस द्वारा प्रांत के बराबर एनबी खरे के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें निम्नलिखित मंत्रिमंडल थे, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री डॉक्टर नारायण भास्कर थे और शिक्षा मंत्री के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल थे। अगला प्रश्न है 52 नंबर का, निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। पहला है, वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोत में लगभग 49% से अधिक क्षेत्र सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हैं। दूसरा है, शाकम्भरी योजना लघु सीमांत कृषकों को सिंचाई के कूप में पंप की स्थापना सहयोग करती है। तीसरा है, प्रमाणित बीज का उपयोग कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि का प्रमुख आधार है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन ए, केवल कथन एक गलत है। तो ये सीजीपीएससी ने एक नया पैटर्न बनाया है जिसमें कथन एक केवल गलत है, इसको यहाँ जोड़ा है। तो कथन एक गलत है, तो कथन दो और तीन हमारा यहाँ सही है। यहाँ करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला प्रश्न है, बस्तर की लोक संस्कृति में विवाह मांडो मंडप पर मोगरहन खाम गाड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया गया था? तो इसमें महुआ लकड़ी का उपयोग किया गया था। अगला है, छत्तीसगढ़ में उद्योग के स्थानांतरीकरण को सुमिलित कीजिए। तो उद्योग के स्थानांतरीकरण को सुमिलित करना है यहाँ भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी। तो भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी का आ जाएगा, यह कोरबा में है। उसके बाद आए हैं जूट कंपनी, जूट उद्योग हैं वह रायगढ़ में है। लाफार्ज सीमेंट लिमिटेड हैं वह सोनाडीह में है। और कोसा कपड़ा उद्योग हैं वह जांजगीर चांपा में हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ फैमिली कोर्ट परिवार न्यायालय स्थित हैं? तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए कांकेर में, जांजगीर चांपा में और कबीरधाम में। छत्तीसगढ़ शासन विधि विधायकी कार्य विभाग हैं वह बस्तर, बेमेतरा, बिलासपुर, धमतरी, दुर्ग, जांजगीर चांपा, जसपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरबा, कोरिया, महासमुंद, रायगढ़, रतनपुर और राजनांदगांव और सरगुजा यहाँ हैं। अगला प्रश्न है, कलचुरी कालीन रतनपुर में शासित होने वाले गढ़ों के निम्नलिखित समूह में सही गढ़ों की समूह चुनिए। तो सही गढ़ों के समूह हैं वह खैराद, लाफा, थोरी, पंडर, भट्टा। तो शिवनाथ नदी के ऊपर स्थित यह गढ़ है उसको देख लेते हैं। कोरबा में चार गढ़ हैं, जांजगीर चांपा में तीन गढ़ हैं, बेमेतरा में दो गढ़ हैं, गौरेला पेंडर मरवाही में एक गढ़ है। कोरबा में कोसगई छुरी हैं, लाफागढ़ हैं, मातिन हैं, ऊपर रोडो हैं और जांजगीर चांपा में मदनपुर, खड़ौद, कोटगढ़ हैं, बेमेतरा में मारो नवागढ़ हैं और गौरेला पेंड्रा मरवाही में पंडर भाठा हैं। उसी प्रकार शिवनाथ नदी के दक्षिण में स्थित गढ़ हैं उसको देख लेते हैं। दक्षिण में यह बलौदा बाजार, सिमगा, लवण हैं, बालोद में एक हैं वह अकलवाड़ा हैं, महासमुंद में चार हैं, खल्लारी, सिरपुर, असुरमार, मुहदी और धमतरी में एक हैं नागढ़। अगला प्रश्न है, 57 नंबर का प्रश्न है, वह है,
क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला है वह गौरेला पेंड्रा मरवाही है। शक्ति है वह 1632 वर्ग किलोमीटर है। गौरेला पेंड्रा मरवाही है 1978 वर्ग किलोमीटर है और सारंगढ़ 2204 वर्ग किलोमीटर है। सबसे बड़ा जिला देख लेते हैं। तीन सबसे बड़ा जिला में सबसे पहला है जिला बीजापुर 8530 वर्ग किलोमीटर, कांकेर है 7161 वर्ग किलोमीटर और रायगढ़ है 7086 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है सम्मिलित करना है तो इसमें है अडर बडर बांधना छोड़ तीन मूड़ छह गोड़, तो यह आ जाएगा पहला का दूसरा गाय और बछड़ा, अबड़ उबड़ बर्धन के ऊपर डोर, तो ये इसका हो जाएगा तीसरा मधुमक्खी के छत्ता, और सी का आ जाएगा चौथा, और चौथा का आ जाएगा पहला। अगला प्रश्न है रोहिणी नायर पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया था? तो दीनानाथ राजपूत को यह पुरस्कार किया गया था। छत्तीसगढ़ के आदिवासी महिला के जीवन में बदलाव हेतु यह पुरस्कार दिया गया था। अगला है 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिलों में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 25% से अधिक है? तो 17 जिलों में, यहाँ सी करेक्ट आंसर होगा। 27 जिलों के आधार पर 19 जिलों के अनुसूचित जनजातियों की संख्या 25% से अधिक है। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल डी एन साय सहाय थे। छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल के क्रम को देख लेते हैं। पहला है दिनेश नंदन साय, उसके बाद कृष्णा मोहन सेठ, श्री ई एस एल नरसिंहन, शेखर दंत, श्री बालाराम जी दास टंडन, श्रुति अनसुईया उइके, विभूषण विश्वविभूषण हरिश्चंद। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में ब्रिटेन नियंत्रक काल में ब्रिटेन प्रशासकों को सेवा काल के क्रम के सही विकल्प चुनें, तो यह सही विकल्प है चौथा। पहला होगा कैप्टन एडमन, उसके बाद दूसरा हो जाएगा मेजर एग्न्यू, उसके बाद तीसरा आ जाएगा मी सिडनीस, उसके बाद आ जाएगा कैप्टन प्रावाड, तो यहाँ हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आईएमसी पी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? तो छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला आईपीएस भावना गुप्ता हैं। अगला है छत्तीसगढ़ में बहुमूल्य खनिजों को प्राप्त स्थलों को सुमिलित कीजिए। तो एलेक्जेंड्राइट का आ जाएगा देवभोग, दूसरा कारोडमन का आ जाएगा बीजापुर, स्वर्ण धातु का आ जाएगा बलौदा बाजार और हीरा का आ जाएगा मैनपुर, तो डी ए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 2143। अगला प्रश्न है मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है? तो घोटुल पाटा। होल्की पाटा, होल्की पाटा यह गीत सामान्य अवसर पर यह नृत्य किया जाता है, और मरम पाटा जो घोटुल पाटा है वह मृत्यु के अवसर पर किया जाता है, और लिमो पाटा है वह प्रधान जनजाति से संबंधित हैं। अगला है बिलासपुर हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बिलासपुर हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश डब्ल्यू ए सिसांग थे। यहाँ बाकी न्यायाधीश का क्रम अनुसार विवरण दिया गया है, इसको देख लेना। अगला 67 नंबर के प्रश्न, निश्चित कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे
आर कारण है इसके उत्तर देना है हमारे घोटुल की उत्पत्ति के जनक लीमोपेन है। लीमोपेन बस्तर की भूमि का खेतिहार देव भी कहा जाता है। तो यहाँ एक और दो दोनों कथन सही हैं, तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित जिलों को उसकी घोषणा वर्ष क अवरोही क्रम में बताइए। तो यहाँ सरगुजा, बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिलासपुर का गठन स्थापना वर्ष 2 नवंबर 1961 में हुआ था, दुर्ग का 1 जनवरी 2006 में, बस्तर का 1948 में और सरगुजा का 1 नवंबर 1948 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का सेंटर निम्नलिखित में से कहाँ है। तो यह सेंटर है वह भिलाई में है। 20 का करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर के प्रश्न है, सिरपुर में पांडुवंशी शासक महाशिवगुप्त शिवगुप्त बालार्जुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि अथवा प्रसावितकार का नहीं है। तो ये इसमें प्रश्न आ जाएगा संभावित सी। अगला है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसमें से 1, 3 और 4 यह सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ सी होगा। 26 जनवरी 1954 को मध्य प्रदेश के राजपत्र अवधारणा में पहली बार प्रकाशित हुआ था। छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से किस वृक्ष को लाख प्राप्त नहीं होता। तो पराजित के वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्यों की पदावधि और कामकाज के संचालन की प्रक्रिया नियम के 1994 के अनुसार निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करना है, पहला है स्थायी समिति सदस्य की अवधि। स्थायी समिति सदस्य की अवधि है वह धारा 4 में है। कतिपय मामलों का विनिश्चयन, कतिपय मामलों का विनिश्चयन है यह धारा 11 में है। गणमूर्ति वह धारा 9 में है और निरसन यह धारा 15 में है। तो यहाँ हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबू रेखा राम के अनुसार रायपुर में निम्नलिखित कलचुरी शासकों का शासन काल में के क्रम को सही से चयन करें। तो पहला होगा मानसिंह देव पहला होगा, उसके बाद चामुंड सिंह देव, उसके बाद तीसरा जैत सिंह, उसके बाद सोमदत्त। यहाँ हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने राज्यों को छूता है। छत्तीसगढ़ राज्य 7 राज्यों को छूता है, जिसमें से उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, कप्पल पंडुम किस जनजाति की स्त्रियां मनाती हैं। तो यह डोरला डोरला जनजाति के स्त्रियां मनाते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री TS सिंहदेव हैं। अगला है, बस्तर के कृषि पर आधारित लोक उत्सव को कृषि कार्य को सम्मिलित कीजिए। कारे पंडुम है यह वृक्ष काटने जलाने का पर्व है। उसके बाद बेटी गट्टी पांडुम है वह बीज बोने का पर्व है और पच्चिंग पांडुम है वह 82 पर्व हैं और तोमर पांडुम हैं वह कटाई पर्व हैं। यहाँ ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज्य अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशियाँ उक्त विधि में भाग होगी। वह है धारा 66 में।
धारा 62 में राज्य सरकार कपिवेत संपत्ति पंचायत में निहित कर सकेगी और धारा 63 में पंचायत निधियों का सुनिवेदन है। धारा 65 में स्थावर संपत्ति का अवतरण के बारे में बताया है। धारा 66 में पंचायती राज निधि के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, कुछ अनुसूचित जनजातियों को PVTG के रूप में भी वर्गीकृत करने का आधार क्या है? तो इसका आधार है घटती जनसंख्या या स्टेटिक जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर। तो 2 और 3 यहाँ सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ डी करेक्ट आंसर है। अगला है, गड़वा बाजा प्रमुख वाद्य यंत्र का नाम लिखिए। तो यह है झांझ, नंगाड़ा और मोहरी। इसका करेक्ट आंसर डी होगा, जिसमें और इसमें से मुख्य हैं टिकमी, मोहरी, मुदक, निशान, झुनकुना, डफन, नंगाड़ा, ढोल, मंजीरा, मृदंग, झांझ, यह सब हैं। रतनपुर के मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेजों को निम्नलिखित भाषा में प्रयोग करते हैं? तो यह डी इसमें संभावित हैं या सभी आ सकते हैं, मराठी, उर्दू और मुंडी। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से इसके अनुसार प्रदेश में वन का क्षेत्रफल है? तो प्रदेश में वन का क्षेत्रफल 49,722 वर्ग किलोमीटर है, बी यहाँ करेक्ट आंसर होगा। अगला है, बस्तर के काकी जनजाति वंश के संस्थापक कौन थे? यह वंश के संस्थापक अन्नम देव थे। अगला है, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 धारा 3 में क्या परिभाषित है? तो धारा 3 में निर्धारण सूची, तुलनन पत्र, कलेक्टर और कॉलोनाइजेशन सम्मिलित हैं। जानकी लाभांश की स्थिति में छत्तीसगढ़ किस आयु में बहुलता है? तो यह 15 से 64 आयु में है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ग्राम के संबंध अधिसूचना, ग्राम के संबंध अधिसूचना वह धारा 3 में बताया गया है और इसको परिभाषित धारा 2 में किया गया है। उप जनपद के अध्यक्ष के उपाध्यक्ष का निर्वाचन धारा 25 में बताया गया है और सरपंच उप सरपंच को धारा 21 में बताया गया है। छत्तीसगढ़ में भूतापी ऊर्जा संयंत्र किस जिले में प्रस्तावित हैं? तो यह बलरामपुर जिले में प्रस्तावित है। निम्नलिखित में से किसे हल्बी प्रथम साहित्यकार माना जाता है? तो यहाँ करेक्ट आंसर लाल जगतपुरी और ठाकुर पूरन सिंह, यह दोनों आंसर करेक्ट हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज्य अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत के कृत्य के बारे में क्या सही है? यह धारा के 49 में वर्णित है, यह सही है। यह धारा 49-30 की उपधाराएं हैं, यह भी सही है। मास के विक्रय और परीक्षण के नियम हैं, ये भी सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित हैं, यह भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर ए सही होगा। अगला प्रश्न है, आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह डॉक्टर हीलालाल शुक्ला इसका हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? छत्तीसगढ़ में जावा फूल व मोतीचूर धान के संबंधित किस्में हैं? यह गलत है। रेफर एरिया डेवलपमेंट उद्देश्य वर्षा पर आधारित क्षेत्रों में एकीकृत फसल पद्धति माध्यम कृषि उत्पादक वर्धन टिकाऊ बनाना है, यह भी गलत है। काली समुद्र रोटी माछी दलहन तिलहन फसलें हैं, यह सही है। करेक्ट आंसर यहाँ ये हो जाएगा, केवल 3 सही हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में रघुजी तृतीय शासन काल के समय निम्नलिखित घटना सही हुई थी? तो डी यहाँ ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ में इसका आगमन हुआ था। सती प्रथा का उन्मूलन 1831 में हुआ था। धमधा के गोंड राजा विद्रोह 1923 में, नरबली पर रोप 1843 से 1845 में हुआ था। ब्रिटिश यात्री जॉर्ज फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ में आगमन 1990 में हुआ था। यह भोसले शासनकाल में था।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में रोका टेका अभियान 2023 में शुरू किया गया था 6 जुलाई को। चतुर्थ रोका छेका अभियान 6 जुलाई 2017 जुलाई 2023 तक चला। अगला है सूची मिलान, तो तात वाद्य यंत्र, तात वाद्य यंत्र हैं वह धनकुल हैं। वितत वाद्य यंत्र यह टासा हैं। धन वाद्य यंत्र हैं चिटकुट हैं। और सुशीर वाद्य यंत्र हैं वह करनाल हैं। यहाँ करेक्ट आंसर हमारा बी होगा। अगला है जोड़ी मिलान, तृतीया को गला में पहने जाते हैं और चेखनी को बाल में लगाया जाता है। एटी को एड़ी को एड़ी में कलाई पहला आ जाएगा। और लुरकी है वह कान में पहना जाता है। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। 4 2 1 3। 98 नंबर के प्रश्न हैं, गोदावरी सबरी नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो यह दंडकरण विभाग में स्थित है, क्योंकि गोदावरी सबरी बेसिन क्षेत्र प्रदेश के दंडकरण भौतिक विभाग के अंतर्गत यह आता है। 99 नंबर के प्रश्न हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो यह कोंडागांव जिले में महिला का विकास महिला की जनसंख्या सर्वाधिक है। लास्ट प्रश्न है, वह प्रति वर्ष किस तिथि का छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस मनाते हैं? तो यह 28 नवंबर को, छत्तीसगढ़ 28 नवंबर को यह मनाते हैं। 28 नवंबर 2004-2007 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्य भाषा विधेयक पारित हुआ था। इस कारण उस दिन को चिर स्थायी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में राज्य भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमने CGPSC में जितने भी छत्तीसगढ़ अध्ययन का प्रश्न आए थे उसको इस वीडियो में डिटेल में किए हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।